डियर स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज मैं आपको पार्ट दो वर्ण पढ़ाने जा रही हूँ। तो बच्चों मैं इसको अभी बोर्ड के ऊपर आपको समझाती हूँ। ये क्या है? स्वरों के मूल रूप और मात्रा रूप। अब देखिए जिसे अ है मात्रा नहीं, मूल रूप क्या है अ, तो आ की मात्रा नहीं। यह कहने का अर्थ क्या है? अ की मात्रा नहीं होती है। जैसे यहाँ पर मैंने क्या लिखा है तो अब इसका मात्रा का प्रयोग करने का स्थान, मात्रा का प्रयोग करने का स्थान मैं आपको ओरली बता रही हूँ। व्यंजन वर्णों में आ की ध्वनि छिपी हुई है, या जो व्यंजन वर्ण है इसमें क्या है आ की ध्वनि छुपी हुई रहती है। अब जैसे है बड़ा आ, बड़ा आ, जैसे ना कान राम, जैसे यह बड़ा अ में जैसे नाक कान राग पाक नाक आदि, तो मात्रा कब लगती है? व्यंजन के बाद लगती है। इस मात्रा कब लगती है बच्चों? व्यंजन के बाद लगती है। अब जैसे छोटी ई, इसकी मात्रा कैसी होती है? ऐसे होती है। तो छोटी ई की मात्रा कब लगती है? लिखना दिखना मिलना सुनना, लिखना तो बच्चों मैंने क्या लिखा है? छोटी की मात्रा लिखना मिलना सुनना दिखना। इसमें कौन सी ई की मात्रा लगी है? छोटी ई की। किसकी मात्रा लगी है? छोटी ई की मात्रा लगी है। छोटी ई की मात्रा कब लगती है? लगने का स्थान क्या है? व्यंजन से पहले। लिखने का स्थान क्या है? मात्रा व्यंजन से पहले लगती है। अब है बड़ी ई, अब जैसे ये है बड़ी ई, जैसे है इसमें बड़ी ई फीता नीला डीला पीला, फीता नीला
के बाद लगती है। मात्रा कब लगती है इसमें? व्यंजन के बाद लगती है। तो बच्चों इतना जो मैंने अभी आपको समझाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। आ की मात्रा नहीं होती है और बड़ा की मात्रा व्यंजन के बाद लगती है, छोटी ई की मात्रा व्यंजन से पहले लगती है, बड़ी ई की मात्रा व्यंजन के बाद लगती है। अब मैं आगे दूसरी मात्रा आपको बता रही हूँ। व्यंजन के नीचे लगती है, केवल र व्यंजन के साथ ये मात्रा व्यंजन के बाद और बीच में लगती है। तो ये कब लगती है बच्चों? र व्यंजन के साथ बीच में लगती है। अब है बड़ा उ, बड़ा उ की मात्रा ये है। अब जैसे टूटना, लूटना, रूटना और रू, तो ये जो मात्रा होती है ये मात्रा व्यंजन के नीचे लगती है, केवल र व्यंजन के साथ ये मात्रा व्यंजन के बाद और बीच में लगती है। अब मात्रा जो है वो कहाँ लगती है? ये मात्रा व्यंजन के नीचे लगती है। कहाँ लगती है? ये व्यंजन के नीचे लगती है। ये लगी हुई है ना मात्रा है, ये किसकी मात्रा है? रुसे ऋषि की मात्रा है। अब है ए, यहाँ पर एक ही मात्रा, जैसे मेला, खेला, ढेला, केला, ठीक है बच्चों? ये कहाँ लगती है? वह मात्रा व्यंजन के ऊपर लगती है। ये मात्रा व्यंजन के ऊपर लगती है। अब है बड़ा आए, चेत जैसा व्यंजन के ऊपर लगती है। कहाँ लगती है बच्चों? व्यंजन के ऊपर लगती है। तो मैं एक बार फिर से आपको बताती हूँ, छोटा उ झुकना, छुटपुट, रुकना, बड़ा उ टूटना, लूटना, रूठना और ऋषि की मात्रा कृषि, ग्रह और तृष्णा, एक की मात्रा मेला, ठेला, ढेला, केला, आगे बड़े की मात्रा
चेर बैसा कैसा और पैसा, तो इसमें ये वाली मात्राएं लगाई जाती हैं। आप बच्चों ये दो मात्राएं इनके बारे में बता रही हूं मैं, इसका मूल रूप क्या है, इस मात्रा का मूल रूप क्या है, जैसे कि कौन सी मात्रा है, छोटे की मात्रा है, कौन सी मात्रा है, ये छोटे की मात्रा है, इसकी मात्रा कैसे लगाई जाती है, इस तरह से। तो मात्राओं का प्रयोग कैसे किया जाता है, धोबी रोगी योगी मोर छोर, धोबी रोगी योगी मोर और छोर। अब इसका प्रयोग कहां किया जाता है, ये मात्रा व्यंजन के बाद लगती है, कहाँ लगती है, ये मात्रा व्यंजन के बाद लगती है, जैसे यहाँ पर ये मैंने लगाई है ना योगी मोर छोर। अब दूसरी मात्रा है आव की मात्रा, ये इसकी पहचान क्या होती है, कौन सी मात्रा कहलाती है, आव की मात्रा, जैसे दौर और भोर, तो दौर में दो मात्राएं लगती है, कौर में दो मात्राएं लगती है, भोर में दो मात्राएं लगती है। तो आज मैंने आपको क्या बताया है, मूल रूप, मात्राएं, मात्राओं का प्रयोग और मात्रा प्रयोग करने का स्थान, मात्रा प्रयोग करने का स्थान कौन सा होता है, ये भी मैंने आपको अभी बताया है। तो बच्चों एक बार मैं फिर से इसको दोहरा देती हूँ कि मूल रूप क्या होता है, जो जिसे इसका मूल रूप है छोटा ओ, मूल रूप क्या है इसका, छोटा ओ, तो इसकी मात्रा यह है, क्या है इसकी, ये मात्रा होती है। अब ये मात्रा कहाँ कहाँ लगती है, जैसे धोबी है, रोगी है, योगी है, मोर है और छोर है, तो इसमें किस मात्रा का प्रयोग किया है, छोटे की मात्रा का प्रयोग किया है। अब बड़ों की मात्रा, ये मात्राएं दो होती है और कहाँ लगाई जाती है, व्यंजन के बाद लगती है, ये जो मात्राएं ये कहाँ लगती है, व्यंजन के बाद लगती है, जैसे दौर तो ये इसमें दो मात्राएं लगी है, कौर इसमें दो मात्राएं लगी है, बोर इसमें भी कितनी मात्राएं लगी है, दो मात्राएं लगी है। तो बच्चों आज आपको मैंने क्या समझाया है, स्वरों के मूल रूप और मात्रा रूप, स्वरों के मूल रूप और मात्रा रूप। तो यहाँ पर क्या थी, आज मूल रूप थे, यहाँ पर मात्राएं, यहाँ पर मात्राओं का प्रयोग और मात्रा प्रयोग करने का स्थान। तो बच्चों आज का पाठ आपको समझ में आया होगा और आपने अपनी नोटबुक में भी लिख लिया होगा। थैंक यू बच्चों।